तो अभी बस स्टैंड पहुंच गए भाई हम लोग। तीन जीन्स लिए, ज़्यादा लगेज भी नहीं बनाना है क्योंकि अपन को ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ेगा केदारनाथ में। पहला स्टॉपेज अपना बस जो लिया है जगदलपुर में। अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 5 घंटा लेट है ट्रेन, तो अभी देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है। अभी हम लोग ट्रेन में खाने के लिए भेल बना रहे हैं मस्त। भाई अभी इतने ही लगेज लेके इतना हालत खराब हो गया, थोड़ा ही सा चले अभी। ये है भाई अपना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ओल्ड दिल्ली। तो गाइज ये है मेरा पूरा प्रॉपर ड्रेस, जो मैं यहाँ से जो भी मेरा पूरा टूर रहेगा उसके लिए प्रॉपर ड्रेस है। जैसे देख सकते हो ये तीन जीन्स लिया हूँ, ज़्यादा लगेज भी नहीं बनाना है क्योंकि अपन को ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ेगा केदारनाथ में। ये तीन जीन्स लिया हूँ, बाकी नॉर्मल 4 से 5 टी शर्ट और एक लोअर शॉर्ट्स, और सबसे गर्म जो सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा मेरा बैग में ये है गर्म वाला, और गर्म वाला 3 ठो टी शर्ट लिया हूँ, मतलब जो स्वेट टी शर्ट होता है ना वो 3 ठो लिया हूँ मैं मोटा मोटा। ये टॉवल और 2 शर्ट लिया हूँ और एक कुर्ता जो केदारनाथ में पहनेंगे, और एक ये जो कुर्ता है ये तुंगनाथ में पहनेंगे, तुंगनाथ शिव मंदिर में। तो वो रहा मेरा बैग, इसको फटाफट से मैं पहले पैक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अभी बाकी का भी सामान जो उसको भी रेडी करना है तो उसको भी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान और लेके जाना है। ये तो फिलहाल ड्रेस था, जितना भी ड्रेस है यही लेके जा रहा हूँ मैं, इतना ही लेके जाना है, ज़्यादा लगेज बनाना भी नहीं है नहीं तो दिक्कत होगा। एक बैग में जितना आ जाए ये वाले बैग में उतना काफ़ी है। बहुत सारा चीज़ निकाला हूँ, ये शर्ट निकाला मैं, वो जीन्स निकाला, वो टी शर्ट निकाला, बहुत सारा चीज़ निकाल दिया। अभी टोटल मेरा यही लगेज है जो मैं यहाँ से, ड्रेस तो प्रॉपर हो ही गया अपना पैकिंग, और ये है हमारा जो अलग से लेके जाऊँगे मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा DSLR फोटो शूट करने के लिए, और एक नया जूता लिया था ट्रैकिंग के लिए, ट्रैक पे पहनूंगा करके उसको ले आऊँ, और ये सेल्फी स्टिक आपका, पावर बैंक तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे तो काम नहीं होगा। एक और मैं लिया हूँ MI का 3i, और ये टॉर्च भी बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ा दूसरे टाइप का टॉर्च लिया हूँ, ये कम ज़्यादा होता है ऐसे फैलता है और फ्लैश भी करता है। ये टॉर्च बहुत ही बढ़िया है, ये वाला भी लिया, बेल्ट वगैरह, और ये है हमारा JBL स्पीकर, गाना सुनते सुनते जहाँ बोर लगेगा गाना सुनेंगे, और क्रैप बैंडेड भी ले लेना भाई, मैं भी लिया हूँ क्योंकि कभी भी मूँछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। बाकी तो टूथब्रश ये सब चीज़ तो लेना ही है अपना ज़रूरत का सामान, और बाकी सब बैग में डाल दिया। मेडिसिन जो है वो भी लेके मैं बैग में डाल दिया हूँ। हमारा बैग जो है ये रहा पूरा प्रॉपर पैक हो गया है, पूरा फुल ही हो गया है लगभग, और एक बैग वो तैयार हो रहा है हमारा, मतलब 2 बैग हो जा रहा है ले देके, क्योंकि टूर भी ज़्यादा है, और सबसे मोटा ये वाला स्वेटर है मेरा, ये जो स्वेटर दिख रहा है ये मोटा है, तो इसके लिए मेरे को अलग से लेना पड़ रहा है एक बैग, हल्का है बट लेना पड़ रहा है, और ये रात रात को नींद नहीं आएगा। तो और आपका सब चीज़ हो गया हमारा पैकिंग बस। तो भाई मैं केदारनाथ ट्रैक के लिए रेनकोट भी लिया हूँ क्योंकि वहाँ का मौसम को कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ जाता है कभी भी धूप आ जाता है। तो एक ये मीशो से लिया था 1 टाइम यूज़ वाला रेनकोट, दिखाता हूँ आपको, ये सब भी कैरी करना पड़ता है, ऐसा पाउच में आता है जो देख रहे हो, खोल के देखा था मैं, बढ़िया रेनकोट है 1 टाइम यूज़, 200 रुपये में मिला था, तो इसको भी लिए हम लोग ताकि बारिश वारिश आए तो दिक्कत ना हो बोल के हम लोग यहाँ लोग रेनकोट लिए। तो अब जल्दी से ये सब को भी पैकिंग करते हैं, गॉगल्स वॉगल्स ये सब जो भी सामान है, क्योंकि हमारा 9 बजे बस है, ठीक है, तो अब जल्दी से जल्दी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। और ये कैमरा को भी शायद ही ले जाऊँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखते हैं मूड करेगा तो ले जाऊँगा नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा, बट अभी फटाफट पैक करते हैं। हम लोग का जो प्रॉपर पैकिंग है केदारनाथ टूर वाला पूरा हो चुका है, हर चीज़ मैं रख लिया अपना बैग पे, और मैं भी फटाफट से जाके रेडी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं बस स्टैंड। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अपना 9 बजे बस है, वो अगले दिन हम लोग को रायपुर ड्रॉप करेगा सुबह सुबह, उसके बाद हम लोग का ट्रेन है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, एपिसोड पे एपिसोड आएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा बस स्टैंड, तो ठीक है बस स्टैंड में मिलते हैं। ये वाला बस है। तो अभी बस स्टैंड पहुंच गए भाई हम लोग, तो अभी बस के अंदर चलते हैं, देखते हैं, ये ड्राइवर सीट है और ये है कुछ बस, हमारा सीट है ऊपर का, सेकंड का ऊपर का, ये वाला ये सीट है हम लोग का, तो कुछ ऐसा सीट है अपना बस का, कांच पैक है पूरा, पैक ग्लास वाला है, अच्छा बस है।
अभी हम लोग को ये बस हम लोग को ड्रॉप करेगा रायपुर। अभी पूरी बस खाली है, रास्ते में पूरा भर जाएगा। पहला स्टॉपेज अपना बस जो लिया है जगदलपुर में, जगदलपुर का बस स्टैंड। यहाँ पे फ्रेश व्रेश होने के लिए रुका, अभी चलते हैं सीधा, देखते हैं अभी ढाबा में रुकेगा। तो भाई अभी हम लोग बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। रायपुर पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन लिए, मिल गया था हम लोग को तुरंत तुरंत। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ऋषिकेश के लिए, जो ऋषिकेश का जो ट्रेन है ना अपना उत्कल एक्सप्रेस, ये प्लेटफॉर्म में आएगा 5 नंबर। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 5 घंटा लेट है ट्रेन। तो अभी देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है। भाई अभी इतना ही लगेज लेके इतना हालत खराब हो गया, थोड़ा ही सा चले अभी आगे तो, और केदारनाथ में तो पूरा 20-22 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, नहीं पता वहाँ क्या होगा, देखते हैं। तो भाई 5 घंटा से ज़्यादा हो गया हम लोग को ट्रेन का वेट करते करते, अभी तक नहीं आया ट्रेन, देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। पागल हो गए हम लोग यहाँ बैठ बैठ के। ये बिलासपुर का रेलवे स्टेशन। भाई यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश भी शुरू हो गया है, रुक ही नहीं रहा है कब से। तो भाई फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, 5 घंटा लेट, हालत ख़राब हो गया हम लोग को बैठे बैठे। हम लोग का जो है B2 वहाँ पे है, हम लोग का जो बोगी है। बहुत लेट कर दिया भैया, देखो यार ये पूरी से आ रही है, पूरी ये ट्रेन पूरी से छूटा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम लोग वहाँ पे, अपना सीट लेते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। भाई फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, इतना देर वेट करने के बाद ट्रेन आया भाई, 5 घंटा से ज़्यादा हो गया था, उसके बाद ट्रेन आया। फिर अभी हम लोग अपना सीट वेट ढूंढ लिए, मिल गया, बैठ गए। अभी खाना वाना भी नहीं आया, खाना वाना आता है फिर खाते हैं, फिर आराम से सोते हैं, फिर आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं खुराई स्टेशन, क्योंकि रात को तो ब्लॉग एंड कर दिया था हम लोग, सीट वीट लेके फिर सो गए थे खावा के। ये वाले ब्लॉग में आपको पूरा कंटिन्यू ट्रैवल कर दिखाऊंगा कि हम लोग ऋषिकेश तक पहुँचते तक। ये देखो खुराई, खुराई स्टेशन अभी पहुँचे हुए हम लोग। तो ये वाला ब्लॉग में आपको पूरा कंटिन्यू दिखाता हूँ अपना, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग ऋषिकेश तक, कैसा क्या है और जो भी रास्ते में आता है, तो आपको ये वाला ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगा। ये है खुराई रेलवे स्टेशन। तो अभी देखते हैं चाय वाय मिलेगा तो चाय वाय पीते हैं। तो भाई अपना चाय आ चुका है, बाहर का व्यू देखो, सुबह से बारिश ही गिर रहा है। भाई चाय के साथ साथ अपना नाश्ता भी आ चुका है, तो अभी नाश्ता करते हैं। तो भाई हमारे नाश्ता में है, एक में है ब्रेड ऑमलेट, सॉस भी दिया हुआ है, और एक में है उपमा, मस्त गरम गरम है। चलो इसको भी फटाफट से खाते हैं। तो भाई अभी हम लोग राजस्थान एंटर किए, क्योंकि दिल्ली जाने टाइम में आपको बॉर्डर पड़ता है राजस्थान का भी, ढोलपुर आता है राजस्थान का। ये रहा हमारे ट्रेन का अंदर का व्यू। अभी हम लोग ट्रेन में खाने के लिए भेल बना रहे हैं मस्त से। के साथ है भेल, हाथ का बनाया हुआ अपना खुद का। हम लोग पहुंचे मथुरा स्टेशन में, तो ऐसा है कुछ मथुरा स्टेशन अपना, मेरा ट्रेन निकल पड़ा है।
चलो बैठता हूँ फटाफट से आगे अंदर भाई। क्या बोले भैया, दो तीन मिनट का स्टॉप है, तू बोल 5 मिनट का स्टॉप। चल तो अभी है हम लोग फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं। ये है फरीदाबाद का स्टेशन, यहाँ से दिल्ली लग ही जाता है लगभग। अभी कुछ ही देर में दिल्ली आ जाएगा। ये भी इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में गिना जाता है फरीदाबाद। तो भाई अभी हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं निजामुद्दीन स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। बहुत टाइम के बाद आखिर आया दिल्ली। ये है पूरा दिल्ली का स्टेशन, अभी आके दिखाता हूँ आपको। और ये है भाई अपना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली। टोटल 20 मिनट रुकने के बाद निजामुद्दीन से हमारा ट्रेन निकल चुका है। अभी अगला स्टेशन नहीं पता क्या आएगा, मेरठ आएगा अगला स्टेशन। ये है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। गाजियाबाद में पूरा रेलवे ट्रैक से लगी हुई है भाई, पूरा बाजू में शॉप वॉप। तो भाई फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, और हम लोग हरिद्वार में ही निकल गए, मतलब उतर गए ट्रेन से, क्योंकि आगे ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता। इस वजह से हम लोग अभी हरिद्वार में उतर गए, क्योंकि होटल वोटल नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहीं पे उतर गए ताकि हम लोग को होटल वोटल मिल जाए। अभी जाते हैं फटाफट से होटल वोटल ढूंढते, उसके बाद निकलते आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। ठीक है, बाय।